चलिए आपको ले चलते हैं आज RPA यानी रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट की दुनिया में। एयरक्राफ्ट का नाम जहन में आते ही आसमान की ऊंचाइयों और उनमें पक्षियों की तरह उड़ते एयरक्राफ्ट जहन में आता है। ये मानव रहित एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं, कौन बनाता है और यदि ये भारत में बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, चलिए आपको ले चलते हैं RPA की दुनिया में। रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट या एरो मॉडल एक इंजीनियरिंग है जो एक परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से जोधपुर में बना रहा है। एक लैथ मशीन के साथ शुरू हुआ ये काम आज देश और दुनिया में जोधपुर का नाम रोशन कर रहा है। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ वे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं और क्या काम आते हैं ये एयरक्राफ्ट। दरअसल ये एयरक्राफ्ट मानव रहित होते हैं और रिमोट से ऑपरेटेड होते हैं। ये एयरक्राफ्ट 1 फीट से 22 फीट तक के होते हैं। इन्हें बनाने में कई बार एक दिन से महीने तक लग जाते हैं। बड़े एयरक्राफ्ट में छोटी कार जैसा इंजन भी लगा होता है, तो वहीं कुछ एयरक्राफ्ट बैटरी चालित भी होते हैं। कई प्रकार की मशीनों और हाथों से बनाए जाते थे, वहीं अब मानव चालित मशीन और ऑटो मशीनों की मदद भी ली जाने लगी है। इसके इंजन विभिन्न धातुओं से बनते हैं, तो वहीं यह एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल तरह की लकड़ी जिसे वाल्सा वुड कहते हैं काम में ली जाती है, जो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर से आती है। एयरक्राफ्ट NCC की एयर विंग में बच्चों को विमान के बारे में जानकारी के काम में आते हैं, तो वहीं स्कूल में बच्चों को इन एयरक्राफ्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही डिफेंस की ट्रेनिंग में भी ये एयरक्राफ्ट काम में लिए जाते हैं। जोधपुर में शर्मा मॉडल एरो इंजीनियर एंड प्रोपेलर्स मानव रहित एयरक्राफ्ट को बनाते हैं। यहाँ रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट इंजन, पंखे यानी प्रोपेलर, बॉडी और एसेसरीज बनाई जा रही है। यहाँ से एक एयरक्राफ्ट कई बड़ी कंपनियां तो खरीदती ही हैं, साथ ही कई देशों में ये एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। चलिए आपको शर्मा मॉडल एरो इंजीनियर एंड प्रोपेलर्स के बारे में बबताते हैं। दरअसल इस संस्थान के संचालक 3 पीढ़ियों से इस तरीके के एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। जय नारायण शर्मा महाराजा उम्मेद सिंह के कहने पर जवाई बांध और कोटा में बांध का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके 3 पुत्र जुगल किशोर, महेश कुमार और आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप जी के पुत्र विवेक और विशाल शर्मा हैं। अब इस पूरे काम को संभाल रखा है। उनकी मदद जुगल किशोर के पुत्र सुधीर भी करते हैं। विवेक बताते हैं कि उनके दादा जय नारायण जी ने महेश जी और आनंद जी को एक लेथ मशीन उस समय दी। उसके बाद से दोनों छोटे छोटे आइटम्स उस लेथ मशीन के जरिए बनाने लगे। उस समय NCC के छात्र ऐसे छोटे विमान उड़ाते थे और उनका सामान बहुत महंगा था और वह इंग्लैंड से आता था। एक दिन NCC का छोटा एयरक्राफ्ट खराब हो गया और इसके इंजन को लाया गया महेश जी ने। NCC के इंजन को सही किया, साथ ही ठीक वैसा ही एक इंजन बना दिया। कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ यह मानव रहित एयर मॉडल बनाने का सिलसिला और उसके बाद से वे इन काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विवेक के पुत्र निहाल बरवाड़ा और विशाल के पुत्र प्रणव शर्मा ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट उड़ाने में विशेष योग्यता रखते हैं। निहाल का नाम इंडिया बुक और एशिया बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है, साथ ही कई कंपनियों द्वारा उन्हें स्पॉन्सर किया गया है। एक छोटी सी जगह पर चल रहा इन RPA बनाने का ये काम देश और विदेश में जोधपुर का नाम रोशन कर रहा है और आवश्यकता भी है। अच्छा सर, किस तरह से बनता है ये प्लेन और कितना समय क्या लग जाता है, क्या टाइम? ये सारे प्लेन्स की डिजाइन हम पहले कंप्यूटर पे करते हैं। कंप्यूटर पे करने के बाद टेस्टिंग वगैरह भी सारी उसी पे हो जाती है। उसके बाद लेजर मशीन कटिंग है, ये लेजर मशीन कटिंग, इसके ऊपर कटिंग होने के बाद किट्स इनके बनते हैं और अलग अलग किट्स की अलग अलग ड्यूरेशन रहती है बनाने में, टाइम जितना लगता है। जैसे इस किट की मैं बात करूँ, ये एक डिस्प्ले मॉडल किट है राफेल का, इसको असेंबल करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। और जो रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं वो डिपेंड करता है, 3 से लेके 5 दिन के अंदर आप अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पर्पज़ NCC में, स्कूल्स में, एयरफोर्स, आर्मी में इनका यूज़ होता है। और जी सर, मैं विवेक शर्मा, शर्मा मॉडल एरो इंजन एंड प्रोपेलर्स जोधपुर का मैनेजर हूँ। हम लोग यहाँ पे छोटे हवाई जहाज के मॉडल्स बनाते हैं जिसे कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये हॉबी जो है हमारे देश में 1960 से चल रही है। हमारी कंपनी ने इसको बनाना शुरू किया था 1974 में, मेरे पिताजी श्री आनंद स्वरूप शर्मा जी ने इनको किया था और उनके बड़े भाई महेश कुमार जी, स्वर्गीय महेश कुमार जी ने उनकी बहुत सहायता की इस काम को सेट करने के लिए। अभी हम यहाँ पर कई तरह के प्लेन्स बनाते हैं जो कि स्कूल्स में, NCC में, फौज में ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही बड़ा एरो स्पोर्ट भी है जो कि हमारी नेशनल एरो स्पोर्ट पॉलिसी 2022 है, उसके अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड एरो स्पोर्ट है। इस एरो स्पोर्ट के कई हिस्से हैं जैसे चक ग्लाइडर्स, कंट्रोल लाइन, रिमोट कंट्रोल, आजकल इनमें जेट्स का प्रयोग भी होने लग गया है।
ये कई तरह के प्लेन होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, इंजन से चलते हैं। इनकी साइज़ कुछ 12 इंच से लेके 20 से 25 फुट तक हो जाती है। पहले ये छोटे मॉडल एरोप्लेन थे, इसलिए इनका नाम एरो मॉडल का रखा जाता था। आजकल ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनमें छोटी कार जितना पावरफुल इंजन भी हो सकता है। और इनको आजकल एक नया टर्म यूज़ किया जाता है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स। जो असली टोही विमान हैं या दूसरे ड्रोन्स वगैरह हैं, उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। नासा बोलें, बोइंग हो, इन सब के अंदर भी एरो मॉडलिंग लैब लगी हुई है। कोई भी बड़ा प्लेन बनाने से पहले सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह के छोटे प्लेन से होते हैं, उनकी डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह का सारा काम उस पर होता है। उसके बाद में असली प्लेन बनाए जाते हैं। इसको बनाने में एक बहुत अच्छी बात है, या इस हॉबी को करने में बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्लेन के इंजीनियर भी आप ही होते हो और पायलट भी आप ही होते हो। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, हर तरह की चीज़ का समावेश होता है। तो आप अपने प्लेन को जब ये करते हो, जब बनाते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीख जाते हो, मैकेनिकल भी सीख जाते हो, स्ट्रक्चर भी सीख जाते हो। और हाँ, जैसा कि असली हवाई जहाज में है, ये गलती ये भी कोई माफ़ नहीं करता है। अगर आपने अपने प्लेन में या तो ग्राउंड पे काम पूरा नहीं किया या उड़ाने में अच्छे नहीं हो, तो प्लेन आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इससे आपको परफेक्शन भी सीखने को मिल जाता है कि मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मुझे परफेक्टली करनी है, उसके अलावा कहीं कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जो प्लेन हम बनाते हैं वो कुछ 3 या 4 पर्पज में काम होते हैं बेसिकली। पहला एयरविंग, NCC में इसको ट्रेनिंग में काम लिया जाता है, जो कि बच्चे अपने हाथ से प्लेन बनाते हैं, उसको खुद उड़ाते हैं और उसका एक कॉम्पिटिशन होता है नेशनल। फिर उसके बाद में एक एरोस्पोर्ट है जो दुनिया भर में काम लिया जाता है। हमारे इंजन यहाँ देश में और विदेश में भी, यूरोप वगैरह में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ पर हमारे इंजन जाते हैं। तीसरा डिफेंस में ये चीज़ें काम लेती हैं। कई तरह की ट्रेनिंग है, जैसे टोई विमानों की ट्रेनिंग है, एंटी एयरक्राफ्ट वाली ट्रेनिंग है, कई पर्पज़ में ये जहाज़ काम आया।